हेलो दोस्तों, मैं रजत तन्ना आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी पे। इस वीडियो पे मैं, जैसे कि हमने जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है 5 मिनट दीपे हिमाचल के नाम, उसकी एक वीडियो जो है वो उसको कंटिन्यू करूँगा, जिसमें मैं 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो दिव्य हिमाचल में रेगुलर आते हैं, और उसी के साथ 5 क्वेश्चन जो होंगे उनके 5 कंसेप्ट भी मैं डिस्कस करूँगा साथ ही साथ। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ज्वार, द सेकंड वन इज मक्का, द थर्ड वन इज चावल एंड द लास्ट वन इज गेहूँ। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस डाली थी, एक दो वीडियोस जो थी उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट राइस एंड ऑल। तो अगर उन वीडियोज़ को देखना जरूर, तो अगर उन जिन्होंने देखी हुई हैं तो दे विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो द राइट आंसर इज़ चावल। ठीक है, चावल का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। ठीक है, बेसिकली चावल जो है वो वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और वी कैन से कि रेनफॉल ज़्यादा होती है अगर इरिगेशन नहीं है, बिकॉज एज वी नो कि पैडी पैडी क्रॉप्स जो होती हैं, खासकर जो अपनी राइस होती है, इट इज़ टोटली यू नो टोटली डिपेंडेड अपॉन द वाटर वाटर इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा हमारा क्रॉप रहती है अगर चावल की हम बात करें। ओके, सो बेसिकली इट विल बी अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, यू कैन फाइंड इन द वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्रा प्रदेश एंड ऑल। ठीक है, उसी के साथ हम हिमाचल में भी होती है, बट वही है कि वो हिमाचल जहाँ पे बारिश होती है वहाँ वहाँ पे होती है। ठीक है, तो बेसिकली इतना आपने याद रखना है कि बेसिकली द राइस 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 क्रॉप इज़ बेसिकली अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स अ सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द एनर्जीज की भारत का ऊर्जा उत्पादक में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है। कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट इन लार्जेस्ट लार्जेस्ट एज पर एज द एनर्जी ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कंसर्न। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जल विद्युत मतलब वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी यू कैन से, द सेकेंड वन इज ताप विद्युत डेट इज ऑल्सो नोन एज द थर्मल विद्युती थर्मल एनर्जी, द थर्ड वन इज सौर एनर्जी डेट इज सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, द लास्ट वन इज अ परमाणु विद्युती विद्युत डेट इज अटोमिक एनर्जी। ओके, सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ताप विद्युती डेट इज अ थर्मल रिवर थर्मल जो एनर्जी है इट कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट अमंग द एवरी एनर्जीज डेट अवेलेबल इन द इंडिया, राइट। और इसी के साथ तो आपको कौन सी थोड़ा इनकी सीरीज पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसकी है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, इस तरह का हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम इन द डिफरेंट एग्जाम्स। ओके, तो पहले नंबर पे जैसे कि हमें पता है थर्मल एनर्जीज है, तो उसी तरह से दूसरे नंबर पे हाइड्रो एनर्जी जो है मतलब जल विद्युतीय विद्युत एनर्जी जो विद्युत जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तीसरे नंबर पे सोलर एनर्जी है, और चौथे नंबर पे परमाणु विद्युत है डेट इज़ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है एज पर एज द एनर्जीज एनर्जी एनर्जी इन द इंडिया इज कंसर्न। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट अगेन एनर्जी। ओके, कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ केंद्र कौन सा है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट एटॉमिक सेंटर सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नरोरा, द थर्ड वन सेकेंड वन इज अ कारापार, द थर्ड वन इज द तारापुर एंड लास्ट वन इज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज तारापुर। तारापुर सबसे पहले जो हमारा एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स जो है वो सबसे पहले लॉन्च किया गया था, स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया एस्टेब्लिश हुआ था। सो बेसिकली तारापुर इज इन द महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, जो रिसेंटली अभी पालघर वाला रहा था, इसलिए उन्होंने पूछा हुआ है ये, क्योंकि पालघर अभी मॉब लिंचिंग हुई थी वहाँ पे दो साधुओं की, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वैन ड्राइवर, तो वहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो तारापुर जो है सबसे पहले है, और ये 1961 में, तुम्हें डेट भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर सॉरी ईयर भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर पे एस्टेब्लिश किया गया है। बाकी तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि नरोरा कहाँ पे है, काकरापार कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स आर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है। ठीक है, कि मतलब पावर सप्लाई जो है इंडिया में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। द फर्स्ट ऑप्शन इज मुंबई, द सेकेंड वन इज कोलकाता, द थर्ड वन इज चेन्नई एंड द लास्ट वन इज दार्जिलिंग।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दार्जिलिंग. ठीक है, दार्जिलिंग इज इन द वेस्ट बंगाल. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है वो हमारा पावर सप्लाई शुरू किया गया था इंडिया में. ओके, और ये ब्रिटिश काल में हुआ था. सो मूविंग टुवर्ड्स आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर सीरीज इज कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत जो है पूर्ति कोयले से पूरी होती है. कि मतलब हम जितने भी एनर्जी जो हमारा कमर्शियल बेस या कमर्शियल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से जो कितना प्रतिशत जो एनर्जी है वो कोयले के द्वारा पूरी की जाती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द 65%, द सेकंड वन इज़ द 56%, द थर्ड वन इज़ द 53%, एंड द लास्ट वन इज़ 67%. ओके, सो द राइट आंसर इज 67%. 67% जो है वो एनर्जी जो है वो कोयले से उत्पन्न होती है. ठीक है, इसी तरह से रिसेंटली अभी जो क्या किया गया है था किया गया है अमिड ऑफ लॉकडाउन व्हाट हैपन इज दैट कि जो पहले क्या होता था कि कोल को एक्सट्रैक्ट करने की जो ऑटोनॉमी थी इंडिया में गवर्नमेंट वॉज ऑटोनॉमी गवर्नमेंट हैज़ द ऑटोनॉमी पावर रिलेटेड टू दैट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल. बट रिसेंटली अब उन्होंने ये जो प्राइवेट को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, कर दिया है मतलब अब ऑटोनॉमी हटा दी गई है कि गवर्नमेंट ही वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. ओके, एंड देर वॉज अ रिसेंटली या एफ डी आई जो है एफडीआई इंक्रीज करी गई है, एफडीआई इंक्रीज करी है डिफेंस में. तो वो कितना प्रतिशत इंक्रीज कर गई है ये आपको पता होना चाहिए. तो रिसेंटली व्हाट हैपन कि एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 64%. ये एक दो साल पहले एक पिछले साल ही शायद पिछले साल CDS के और CAPF के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था. तो दिस क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंट बड़ा है घटा है एंड ऑल. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस फॉलोइंग क्वेश्चन आर एक्चुअली बेनिफिटिंग अलॉट बिकॉज दीज आर वेरी मच वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन दीज आर ऑफ द दिबे हिमाचल. तो डेट्स वाई आई वॉज थिंकिंग टू शेयर विद यू ऑल एंड आई होप दे आर मैनी कमेंट्स यू नो द स्टूडेंट्स आर और द एस्पायरेंट्स आर बेसिकली अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एंड दे हैव बीन यू नो मैंशनिंग इन द कमेंट ऑल्सो एज वेल. तो इट फील्स लाइक कि द समथिंग आई एम डूइंग चाहे 40 बंदे ही क्यों ना कर रहे हैं बट समथिंग 40 बंदे तो अटैम्प्ट करें. डेट इज़ यू नो फॉर मी डेट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी एमिड ऑफ दिस लॉकडाउन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड लक.